लिख रहा है कि नाम जहर हो आप, तुमको मरना है, हैं? पढ़ो। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। अरे भाई तो तुम पढ़ लो ना, कसम से मैम कोई लड़का पढ़ नहीं रहा आपको देख रहा है, तो तुम पढ़ लो ना, जिनको पढ़ना वो जवाब दे रहे हैं। गच्छप करके रखते हो, मतलब तुम अटेंशन सीकर एकदम मेरा हालत है एकदम। छोड़ो तो मैं चार बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कुछ नजर नहीं आ रहा, आप नजर आ रही हो मैम। देखो है क्या, हम तो लॉयर हैं, हम कोर्ट में रहेंगे, तुमको केस करने, केस लड़ने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, हम वहीं रहेंगे, हम वहीं उठेंगे जाएंगे केस लड़के, वापस वहीं बैठ जाएंगे, पकड़ के मारेंगे खींच के, बताओ इसका जवाब दो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इतनी रात को स्टूडियो से कैसे घर जाओगे, मैं घर पे ही हूँ, क्यों जाऊंगी मैं स्टूडियो से इतनी रात को घर, मैं कैसे जाऊंगी, ऑफिस की बात है, बड़ा टेंशन हो रखा है, पता बच्चों को बहुत टेंशन हो रखा है, एक बच्चा कह रहा है कि मैम हमें ना अच्छा नहीं लगता, आप इतनी देर खड़े होकर हमें पढ़ा रही होती, एकदम अच्छा नहीं लग रहा होता। रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता तुम लोग, है ना, अब इसका जवाब दे दो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक लिख रहा है दिव्या, सुनती हो? हाँ बोलो, जवाब दोगे इसका? इंडिया में इसी वजह से तो नहीं है यार कोई भी। एक लिखा दिव्या, हम जानबूझ के क्लास शेयर नहीं करते हैं, हमारे सिवाय तुम्हें कोई और देखे वो हमें मंजूर नहीं। आपकी आंख, आपको गर्लफ्रेंड बनाने की क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी, अगर तुम क्लास में नहीं होते, हमसे कोर्ट के बाहर या फिर बाहर अगर बोले होते, तुमको हम जो जवाब देते ना, धिक्कार है हम पर। दिव्या कल कॉफी के लिए चलोगी? अच्छा बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं।